जब भी आप सफलता की राह पे आगे बढ़ेंगे तो यू गेट टू टाइप ऑफ पीपल, आपको दो लोग मिलेंगे, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा जो आएगी वो नेगेटिव लोगों की आएगी, दे पुट नेगेटिव सजेशन। इसमें बुरा मानने की बात नहीं, जब भी लाइफ में आप सफलता की ओर बढ़ेंगे बेटा नेगेटिविटी भी आपकी ओर आएगी, उसमें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं। कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई सिचुएशन, कोई जगह, कोई रीजन नहीं होता किसी को असफल करने का, ये उसकी सोच होती है वो कैसे अपने आप को विजुलाइज कर रहा है। एक सिंगर गाना गा रहा है, अच्छा सिंगर, फीडबैक देखो सुर ठीक नहीं है इसके और खुद फटा बांस है, इसका सुर खुद बिगड़ा हुआ है लेकिन सुर इसका ठीक नहीं है। और निगेटिविटी सेट है चारों ओर, क्योंकि ये बचपन से हमें करने की आदत लगी हुई है, ये बिकम हैबिचुअल, हम सफल नहीं होंगे, ये हमारा क्या प्रोसेस है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily life classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC learning app and fulfill your dreams. Do prashn bahut aham hai jinka aaj main zikr karna chahunga. Do beta aham baat hoti ki yahan bacche mere se aksar is samay lagatar ek prashn pooch rahe hain ki sir kiski sune aur kiski na sune. Hamare desh mein अलग अलग तरह की कहानियाँ चलती हैं, क्या चलती हैं? अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो कर दिया तो बड़ी चंचनी लग गई देश को, क्या लग गई? हमने क्या वीडियो कर दिया भाई, हमने कहा भाई कि इलाहाबाद बोर्ड हमारे घर में है तो आगे की लाइन उड़ा दो, हमारे घर में है बेटा तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना काबिलियत, बिना योग्यता और बिना बेटर परफॉर्मेंस को आपको सफलता नहीं मिल सकती है। बट अच्छी बात क्या है कि इसमें से आगे की लाइन उड़ा दो और इसमें क्या रह जाए केवल इलाहाबाद बोर्ड, तो जो मन में आएगा वो करेंगे, ऐसा बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। इट्स अ वेरी रियल वे ऑफ सिलेक्शन बेटा। कल मैंने अंकित का इंटरव्यू लिया, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा दुख भरी बात है, देखिएगा। इट्स अ प्योर हिंदी मीडियम छात्र, वो क्या है बेटा प्योर हिंदी मीडियम का बच्चा, और प्लीज़ मैं दिल से कह रहा हूँ कि उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि एक आम जगह से, कहते हैं ना बेटा कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई सिचुएशन, कोई जगह, कोई रीजन नहीं होता किसी को असफल करने का, ये उसकी सोच होती है वो कैसे अपने आप को विजुलाइज कर रहा है। तो एक छोटी जगह से आने वाला ये बच्चा सफल हो सकता है, उस इंटरव्यू को जरूर देखिएगा, यू रियली गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, कमाल का मोटिवेशन आएगा और आपको लगेगा कि सर ये कर सकता है तो साला हम भी कर सकते हैं, उस जज्बे के साथ आप लोग बेटा आगे बढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में लगातार मैं बात कर रहा था कि वाई दैट 68% इज फाइटिंग, मैं क्या कह रहा था, फॉर रैली भर्ती। अब लो, अब सौरभ सर का तो यहां समझाने का ये उद्देश्य था कि भाई जब उधर 91 की लड़ाई चल रही है, 90 चल रही है, तो 68 वाला क्यों हल्ला मचाए पड़ा है बेटा, तू फोकस कर, और सिस्टम सही है तभी तो 68% होने के बावजूद तू फेज टू में बैठा हुआ है और कल को तेरे को सफलता मिलने वाली एयरफोर्स में, तो क्या जबरदस्ती यार अपनी फौजेस को लांछन लगाने के पीछे हम पड़े, क्या इससे कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलेगा यार। दुख इस बात का लोगों को लेके हो गया कि मैंने आंदोलन खत्म कर दिया, क्या खत्म कर दिया, ऐसे आंदोलन लोग चलाया करते थे बेटा SSC बैंक रेलवे पे, किस पे आंदोलन चलाते थे, ट्विटर हैंडल, तो बच्चे सारे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके दिन भर क्या कर रहे थे, बैठ करके आंदोलन आंदोलन खेल रहे थे। आज वो इंडस्ट्री ही खत्म हो गई, बोले अब आंदोलन आंदोलन खेल ही लो तुम, वी आर नॉट फॉर आंदोलन यार, फौज आंदोलन करने के लिए नहीं बनते बेटा, फौज फालतू के आंदोलन को खत्म करने के लिए होती है। एंड बीइंग अ ट्रू लीडर बेटा हमेशा सही बात करना चाहिए और सही बात सपोर्ट करना चाहिए। तो कुछ लोग कम अप विद दैट एटीट्यूड, तो मेरा ये कहना है यार कि 52% बच्चा जो पाया है 10+2 के एग्जाम में, वो भी एयरफोर्स में सिलेक्ट होके आया है बेटा, और उसका इंटरव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है यार, तो ये काबिलियत है हमारे एयरफोर्स के सिलेक्शन के नए सिस्टम में जिसकी मैं बात हमेशा आपके सामने करता हूं। तो बैक की बात क्या करूं मैं बैठ करके, आई ऑलवेज ट्राई टू पुट द फैक्ट फॉर दैट ओवरऑल, बट कभी कभी दुख होता है कि लोग सही बात सुनना ही नहीं चाहते। आज हर बच्चा जो हमारा एयरफोर्स का है उसका टारगेट क्लियर है बेटा कि उसको मार्च के एग्जाम में क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, फाड़ में जाए बाकी सब, सर आई एम कंप्लीटली फोकस्ड फॉर दैट, मुझे नेवी के एग्जाम में जो कि फैब में होगा, जनवरी में होगा, मार्च में होगा, उसके शेड्यूल में मुझे अलर्ट होना है सर, मुझे दाएं बाएं नहीं देखना है। तो मैं तो यार ये बात करूंगा, इसका कोई विरोध करे कुछ भी करे बेटा नथिंग मैटर, सच बोलूंगा और सच बताने का हमेशा क्या करूंगा प्रयास, क्योंकि मुझे पता है कि इसी सच्चाई से ही बेटा आप आगे जा सकते हैं और जीवन में कुछ बेहतर क्या कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। तो एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा सर कि किसकी सुने और किसकी ना सुने,
समाज में एक बात आप बड़ी तगड़ी नोटिस करने को पाएंगे कि जब भी जीवन की राह में आप आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे जाएंगे, तो गेट लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल अराउंड यू। कल मैं अंकित के साथ बैठा हुआ था, वॉज इंटरव्यूइंग दैट कैंडिडेट। शायद आप वीडियो देखेंगे तो आज शायद मैं जो बातें कह रहा हूँ आपको रियलाइज भी होगा बेटा। तो वो हाथरस जैसे बहुत बैकवर्ड जगह, 20 किलोमीटर बच्चा साइकिल चला के जाता था, 20 किलोमीटर साइकिल चला के आता था। इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ वेरी रियल। और कैसे एक गरीब किसान परिवार से मेहनत करके उसने अपने आप को जो है इस लेवल पे स्टैंड किया और पहला लड़का अपने गांव का बना जो कि कमीशन कैटेगरी के लिए सफल हुआ बेटा। ये इंस्पिरेशन उस पूरे एरिया के लिए है मुझे लगता है। समझाना क्या मैं चाह रहा हूँ बेटा, तो जब भी आप सफलता की राह पे आगे बढ़ेंगे तो यू गेट टू टाइप ऑफ पीपल। आपको दो लोग मिलेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो आएगी वो नेगेटिव लोगों की आएगी। दे पुट नेगेटिव सजेशन। इसमें बुरा मानने की बात नहीं, जब भी लाइफ में आप सफलता की ओर बढ़ेंगे बेटा नेगेटिविटी भी आपकी ओर आएगी, इसमें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं। बट अहम क्या है सर यहाँ पे, अहम बेटा यहाँ पर ये है कि सामने वाले के बेटा दो व्यक्ति मिलेंगे तुम्हें, सामने वाले के आपको इंटेंट को समझना बहुत जरूरी है, सामने वाले के इंटेंशन को समझना बेटा बहुत जरूरी है। अगर आप सामने वाले के इंटेंशन को नहीं समझेंगे, कुछ लोगों की इंटेंशन ही होती है वो नेगेटिव बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति मिलेगा उनको नेगेटिव। और कमाल की बात है हमारे देश का शायद ये दुर्भाग्य बेटा, इनकी संख्या 90% है देश में। कितनी संख्या बेटा, जहां जाओगे मुफ्त खोर बैठे हुए हैं खलियर, क्योंकि जो 10% सफल लोग हैं बेटा वो सफल हो गए। क्या हो गए? उनके पास टाइम नहीं है दूसरों के लिए प्रवचन करने का और उनको कहानी बताने का बेटा, बट ये 90% बैठ के केवल बकैती कर रहे होंगे। अहम क्या है सर, और इस सब के लिए नेगेटिव बोलते हैं। आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए स्पेशली ये नेगेटिव बोलने आ रहे हैं। तो अहम क्या है सर, कि व्यक्ति की काबिलियत, उसके हुनर, उसके एफर्ट, उसकी नॉलेज, उसकी सक्सेस, उसके आउटपुट, उसके ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट को ही समझ करके बेटा किसी से आप सुझाव लें। अगर उन प्रॉस्पेक्ट पे वो खरा नहीं उतर रहा है तो सुझाव लेने की जरूरत नहीं है, आप सिरे से खारिज कर दीजिए। इंटेंशन का समझना बेटा बहुत जरूरी है यार। और मिलेंगे आपको ये, इनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है, ये हर तरफ से आते हैं, एंड दे पुट नेगेटिविटी अमंग द स्टूडेंट। मैंने आज तक किसी भी पेरेंट्स के अंदर नहीं देखा, उसको अपने बच्चे के अंदर कभी नेगेटिविटी नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसने पाल पोस के उनको बड़ा किया है, उन्होंने उसको एक संस्कार दिया है। वो समझते हैं कि हमारे बच्चे में क्या काबिलियत है। तो साला बाहर वाला कौन होता है ये जस्टिफाई करने वाला कि तुम बेटा बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं, कौन हो तुम अपना काम करो, आई एम फोकस्ड टू माय वर्क। मैंने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी इसके लिए कि अच्छा सा पेंटर था, उसने पेंटिंग शुरू में सीखी, काफ़ी मेहनत किया, गुरुजी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद अच्छी सी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग ले जाके चौराहे पे रखाया और उसने लिखा कि जिसको जो भी चीज़ें इसमें गलत अगर कुछ लगे तो वहाँ क्रॉस बना दीजिए। क्या बना दीजिए? क्रॉस बना दीजिए। पेंटिंग छोड़ के आया बच्चा और दो दिन बाद जब गया तो देखा तो पूरी पेंटिंग पे क्या बने हुए हैं बेटा? क्रॉस बने हुए। बहुत उदास हुआ, इतना मेहनत करके, इतना एफर्ट करके, इतना अच्छा काम किया और पूरा का पूरा सालों ने गोचा लगा दिया। काबिल लोग 90% संख्या इनकी क्या है? ज़्यादा है। बच्चा बड़ा उदास हुआ, भागता हुआ गुरुजी के पास गया और बोला कि अब मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा, अगर मेरा ये फीडबैक है तो मैं ये प्रोफेशन गुरुदेव छोड़ दूंगा, मैंने सीखा क्या अब तक? तो गुरुजी ने उसको ढांटस बताया, कोई बात नहीं बेटा, चलो एक बार तुम फिर से पेंटिंग बनाओ, दिल से बनाओ और पूरा परफेक्ट बनाओ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। पेंटिंग फिर उस बच्चे ने बनाई उसी जज्बात के साथ, अच्छी पेंटिंग बनाई, गुरुजी लेके गए, बट गुरुजी ने इस बार लिखा उसके नीचे एक बड़ी सी लाइन कि आपको इस पेंटिंग में जहाँ खराबी दिखाई दे उस पॉइंट को आप सही कर दीजिए, सुधार दीजिए। और गुरुजी ने कहा इस बार दो दिन नहीं बेटा, इस बार 7 दिन तुमको पेंटिंग छोड़ना है। कितना छोड़ना है? 3 times more time मैं दे रहा हूँ। फिर 7 दिन बाद वो जब व्यक्ति गया और उस पेंटिंग को देखने बेटा तो उसमें कहीं एक स्याही का दाग भी नहीं लगा हुआ था, होल पेंटिंग इज परफेक्ट। तो दुनिया में बेटा दूसरों में कमी निकालना जो है वो तो बहुत आसान है, बट उन कमियों को सुधारने वाले लोग समाज में क्या है बेटा? कम है। तो आप उन्हीं की सलाह लेंगे जो सुधारने की बात करें, इसी को गुरु कहते हैं, इसी को सलाहकार कहते हैं, इसी को कहते हैं जो आपको गाइड कर रहा होता। और ऐसे ही व्यक्ति को बेटा समाज में सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव थिंकर लोगों की बात सुनना है, सफल लोगों का। एक सिंगर गाना गा रहा है, अच्छा सिंगर, फीडबैक देखो, सुर ठीक नहीं है इसके और खुद फटा बांस है, इसका सुर खुद बिगड़ा हुआ है लेकिन सुर इसका ठीक नहीं है। कभी कभी सरप्राइज होता हूँ, आई टुक इंटरव्यू ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट,
तो मासूम मासूम बच्चे हैं, जैसे आप ही लोग बेटा बैठे हैं, उसमें कितने मासूम बच्चे हैं। दो चार एक बच्चा उस दिन मेरे से क्लास में मिला था रूम नंबर 5 में, थोड़ा सा कमज़ोर टाइप का है वो बच्चा, बट है, जज्बाती है, जुनूनी है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर क्या है लेवल, कोई बात नहीं, अच्छा करके क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी सेलेक्ट हो जाते हैं, वही सेलेक्ट होके आ जाएगा। अब उसका इंटरव्यू हम लेंगे तो क्या टॉन्ट निकल के आएगा, ये भी हो गया, अबे तू क्यों नहीं हो गया, अगर ये भी हो गया तो तू क्यों नहीं हो गया, क्योंकि तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे को केवल एक चीज़ आती है कि बस जो अच्छा कर रहा है। केवल आउटलुक नहीं होता बेटा ना किसी के सफलता का निर्धारण, केवल आउटलुक वाले फिर तो सारे जो है सारे हीरो लोग फौज में ही होते हैं, सब रिजेक्ट हो गए। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट द आउटलुक बेटा, ये आउटलुक की लड़ाई नहीं है, इधर से ओरिजिनल होने की लड़ाई है। हिमेश रेशमिया नाक से गाता है, कौन है हिमेश रेशमिया, सारे सलाह दे दिए और उसके गाने ब्लॉकबस्टर कर दिए, नंबर 1 बना दिए, सबसे बड़ा कंपोजर हो गया, सिंगर हो गया, स्टार्डम है उसका अपने आप में। लेकिन हिमेश रेशमिया समाज में किससे गाता है, अबे तू कौन है, तू कहां से गाता है। चलो उसको लता जी फीडबैक दें, सुरेश वाडेकर साहब आए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए, वो सलाह दें तो उचित लगता है कि हाँ ये उसके मठाधीश हैं, ये सलाह दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। कोई ए बी सी डी का ज्ञान नहीं, लेकिन ज्ञान हमें क्या करना है, देना है। तो आज से बेटा जीवन में एक बहुत अच्छी बात आप गांठ मारेंगे कि आपको इंटेंशन समझना है सामने वाले की, और उस इंटेंशन के हिसाब से ही आपको फीडबैक लेना है। वो कॉम्पिटेंसी दिखनी चाहिए यार सामने वाले में, अगर नहीं है ना तो प्लीज़ आप उसका फीडबैक मत लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद सक्षम हैं अपना फीडबैक देखने के लिए और समझने के लिए। सकारात्मक सोच क्या है जानते हो बेटा, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राकृतिक नियम के अंतर्गत चल रही हैं, वो हो रही हैं, उनको हम आप बदल नहीं सकते। अगर किसी गेंद को हम ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ आएगी, किस नियम के अंतर्गत, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, चल रहा है। किसने ये बात सबसे पहले बताई, वाइजैक न्यूटन साहब ने बताई। क्या न्यूटन साहब जब बताए तो इससे पहले गेंद ऊपर फेंकते थे तो ऊपर चली जाती थी क्या, तो उन्होंने भी इजाद नहीं कर दिया इसको, उन्होंने बताया कि ये चीज समाज में हो रही है। तो बहुत कुछ प्राकृतिक तरीके से है इस दुनिया में जो हो रहा है, ऑन प्रोसेस चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि इनके बताते सिस्टम चेंज हो गया, कोई वही का वही सिस्टम चले जा रहा है। तो जिंदगी के बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट मैं लिख रहा था आज बैठ करके, आई गॉट दैट कि कितनी सारी चीज़ें हमारे जीवन में है बेटा जो कि सिस्टम के हिसाब से चल रही हैं, और उनको हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से वो चीज़ें चल रही हैं। कहते हैं कि इंसान के शरीर में कितनी किडनी होती है, दो किडनी, दो ही है ना, हम कहते तीन वाले तो नहीं है यहाँ पे, हाँ सर एक किडनी स्पेशल लेके चलते हैं हम लोग, मान लीजिए, हाँ जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कितना दिमाग आपका चल रहा है। वैसे प्राकृतिक नियम क्या है कि किडनी को कहा जाता है कि एक मिनट में कितने लीटर खून जो है फिल्टर करती है, बड़ा लंबा लंबा जानकारी है तुम लोगों को, है 2 लीटर, कितना बेटा 2 लीटर। अब ऐसा तो नहीं है कि आज सौरभ सर तुमको ये बात बता रहे हैं तो कल से 3 लीटर करने लगेगा, ये प्राकृतिक नियम है। कैसा नियम है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है। तो बहुत सारी दुनिया में बेटा ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। अब ऐसा है कि अगर आग में हाथ हम डालें, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डालें, अभी कौन सा नए जो है राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के, अब ऐसा तो नहीं आग में हाथ डालेंगे तो आग बताएगी तुम लोग हटाओ, इनका हाथ नहीं जलेगा, इनका हाथ अलग टाइप का है, हाँ जलेगा, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसे बेटा, तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को मैं जब टेक्निकली देखता हूँ बैठ करके तो सब कुछ प्राकृतिक तरीके से हो रहा है। एक पॉइंट मैं लिख रहा था बैठ के, कहते हैं कि जो है जो हमारा दिल है जो काम कर रहा है, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोसेस चल रहा है, हमको उनसे कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे हम लोग पॉइंट करते हैं कि जो आपका हार्ट होता है ये ब्लड पंप करता है, कितना करता है, कितनी कैपेसिटी इसकी, 1600, कितना बेटा 1600 लीटर का क्या बनाएगा इसकी कैपेसिटी। अब ऐसा तो नहीं है जानकारी होने के बाद तुम्हारा 1700 काम करेगा। तो लॉट ऑफ थिंग इज हैपनिंग इन द लाइफ। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सकारात्मक सोच का मतलब क्या है सर। आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं बेटा, तो एक इंटरेस्टिंग बात समझो कि कितनी सारी वेव तरंगे, मैग्नेटिक वेव्स, कितना वॉइस फ्रिक्वेंसी, कितना कुछ एक्टिव है चारों ओर। क्या हमें दिखाई दे रहा है, नो बोल रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है, आखिर नो तो सुन के ही समझ पा रहा हूँ ना मैं नो। तो बहुत कुछ है बेटा जो हमारे चारों ओर है, बहुत सारी
फ्रिक्वेंसीज हैं, और चेक करना है मोबाइल फ़ोन निकालो, बट आप मोबाइल फ़ोन निकालें तो आप फ्रिक्वेंसी सेट करें कितना, 92.7, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा बेटा वो, नहीं नहीं बिग एफएम पकड़ेगा, गलत जा रहे हो थोड़ा सा, इतना जानकारी है, इतना भी पागल आदमी नहीं हुआ, इतना डिटेल मैंने रखा अपने पास बेटा, तो 92.7 तुरंत कैच कर लेगा। इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यहां क्या है बेटा, और जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी से आपने फ्रीक्वेंसी को मैच किया, खट से कनेक्ट हुआ, और कमाल की बात कि सैड सॉन्ग शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया भाई? अब आपकी इच्छा है कि आपको सैड सॉन्ग नहीं सुनना, तो आप क्या करेंगे, रोएंगे बैठ के? नहीं सर, अगली फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। क्या जाएंगे? और अगली फ्रीक्वेंसी पकड़ सकती है 93.5, जोरदार सॉन्ग। व्हाट आई वांट टू टेल यू बेटा, मैं आपको जिंदगी की वास्तविकता क्या समझाना चाह रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जब फ्रीक्वेंसी चेंज की तो क्या वो सैड सॉन्ग वाली फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई दुनिया से? वो अभी भी यहां है ना बेटा। ये तो आपकी इच्छा है यार, क्या आपको सैड सॉन्ग की फ्रीक्वेंसी लगाए रखना अपनी जिंदगी में, या फिर जोश वाले सॉन्ग की। एवरीथिंग इज अराउंड यू, हर चीज कहाँ है बेटा, आपके चारों ओर, कहीं कोई भी चीज दूर नहीं बसी हुई है बेटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिर आप अपना कैसे बनाते हैं। एक चीज आपके अधिकार क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि दुनिया में एक ही चीज है जो आपकी है, जो आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है बेटा, वह है आपके विचारों की ताकत, आपका थॉट प्रोसेस, आपका आइडियोलॉजी, आपका विचार। यही आपको इंसान बनाता है, यही आपको महान बनाता है, यही आपको सबसे बेहतर बनाता है। तो प्रश्न ये बड़ा है कि आखिर वो थॉट प्रोसेस कुछ है अंदर की नहीं है। थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस ये है कि मुझे सफल होना है, बट क्या ये थॉट प्रोसेस है? बट कमाल की इंसान की एक प्रक्रिया है बेटा, कि इंसान में कहते हैं नेगेटिव थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। क्या है वो? आएगी ही आएगी, लेकिन हमें पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को जिंदगी में क्या करना होगा, लाना होगा। नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्या है? अभी वहां ट्रांसफार्मर भी भ्रष्ट हो जाए तो तुम्हारे मुंह से ये ले कोई बम मारा, क्या मारा भाई, सेट है कि अगर छोटा पटाखा भी दगा ना सर तो सीधा क्या चला सर, बम चला। ये हमारा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, सेट है, और नेगेटिविटी सेट है चारों ओर, क्योंकि ये बचपन से हमें करने की आदत लगी हुई है, ये बिकम हैबिचुअल। हम सफल नहीं होंगे, ये हमारा क्या प्रोसेस है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। और तुम खुद सोचो कि अपने चारों ओर जो लोग बसे हुए हैं उनमें भी ज्यादातर इसी थॉट प्रोसेस के हैं, तो भी किस चीज का एग्जांपल आपको देंगे, असफलता का, ना सफल होने का। लेकिन बेटा उस सबके बीच एक ताकत तो यार आपकी है ना, क्या बेटा, पॉजिटिव थिंकिंग लाओगे, पॉजिटिव विचारधारा लाओगे, तो कोई टैक्स लगेगा, जीएसटी भरोगे, कोई बाउंड्री लगा रखा है, तो सोचो ना यार। जैसे कहते हैं कि अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उस चीज को लेके कोई पेनाल्टी नहीं है, कोई दंड नहीं है, तो ऐसे ही पॉजिटिव सोचने के लिए भाई कोई टैक्स भी नहीं लगता है। तो सोचो पॉजिटिव यार, आज से अपने विजन में, अपने विजुलाइजेशन में लाओ, सर इस अटेम्प्ट में मुझे सफलता चाहिए सर, मैं जान लगा दूंगा, हर वो एफर्ट करूंगा सर, हर वो सच्चाई लाऊंगा सर जो जरूरी है। और इस प्रक्रिया में मैं हमेशा एक अच्छी बात कहता हूं बेटा, कि सफलता असफलता बाद का निर्धारण है, सबसे पहले और सबसे अहम निर्धारण है आपके जीवन का बेटा, कि आपको अच्छा इंसान भी बनना है। इस प्रक्रिया में आपके द्वारा किया गया हर कृत्य, आपके द्वारा किया गया हर कार्य आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन देना भी बहुत जरूरी है। तो प्रश्न किसी और से नहीं है कि आप रेस क्वालिफाई कर पाए कि नहीं, ये आपसे स्वयं से है। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आप 45 क्वेश्चन जो आपके SRT के आए, या 20 क्वेश्चन आपके DFT से आए, आपने 100% अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, ये प्रश्न आपसे बेटा स्वयं से है। कल को GD का परफॉर्मेंस, आपने अपना इंट्रोडक्शन बेहतर ढंग से दिया कि नहीं दिया, नरेशन में आप अपने विचारों को बेहतर ढंग से रख पाए कि नहीं रख पाए, और ड्यूरिंग द GD एक बेहतर इम्पैक्ट अपने ग्रुप के अंदर क्रिएट कर पाए कि नहीं कर पाए, ये प्रश्न आपसे है बेटा, ये प्रश्न किसी और से नहीं है। और कमाल की बात है कि इस पूरी जर्नी में, इस प्रक्रिया में हम आपको निरंतर लेके चलेंगे, और आपके रियल वजूद को आपको उसी तरीके से अवगत कराएंगे इन टेस्टिंग के माध्यम से। 3 स्लॉट्स आपके बढ़ चुके हैं, 7 to 9, 11 to 1 एंड 5 to 7। लकली अगले वीक से शेड्यूल शुरू होने चल रहा है, और संडे स्पेशल आपका बेटा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और PFT का टेस्ट रहेगा। बट पहले आपको अपने सेशन के दौरान हम स्पेशली आएंगे, प्लस गौरव सर भी हमारे साथ आएंगे, जिसपे हम रियल टाइम
एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 कंडक्ट करेंगे. क्या करेंगे बेटा? एंड थ्रू दैट आई ट्राई टू मेक यू फील द रियल फीलिंग अबाउट द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2. इट मेक यू लर्न लॉट, इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड नेवर टेक द नेगेटिव थिंग. एवरी थिंग वट आई एम गोइंग टू डू इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स ऑल अबाउट अ जनरेटिंग अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी इन यू. हर चीज़ का बेटा केवल एक उद्देश्य होगा कि मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा करके आपके अंदर के सच्चे इंसान को बाहर लाऊं और आपको अच्छा इंसान बना के फाइनली आपको सफलता की राह पे लेके जाऊं. दैट इज द रियल मोटिव व्हाट आई डू बेटा. तो फ्रीक्वेंसी यार सेट करनी है और पॉजिटिव सोचिए यार. कितनी भी स्थितियां खराब हों, फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होगी सर, जो उसका गाना सुनेंगे सर, कोई नेगेटिव थॉट आउट नहीं है सर. बस एक एजेंडा सेट है कि इस बार वर्दी हमारी क्या है सर, डन है किसी भी कीमत पे. तो इट्स रियली लवली इंट्रैक्शन. सुबह से आप लोग आए हैं, बहुत थक गए होंगे. आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत जोश मैंने बढ़ाया होगा और इसी जोश के साथ नहीं नहीं यस सर कहने में बेटा ध्यान रखना पड़ता है. वहाँ मत कर देने तो आप बैच वास कर देंगे. हाँ हाँ, उसमें भी क्लास मेंटेन करना चाहिए. क्या मेंटेन करना चाहिए? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द फौज. आप सब फौज के लिए जा रहे हैं बेटा. तो आपकी मौलिक जिम्मेदारी है कि आपको उसको बेहतर करना है, अच्छा करना है, बढ़िया करना है. आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बढ़िया रहा होगा. हर टेस्टिंग से आप गुजरे हैं. क्या गुजरे हैं? और अगले वीक आप लोगों का शेड्यूल शुरू हो जाएगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा. क्लास में तो डेली आप पढ़ेंगे ही जीडी एसआरटी, दैट्स द पार्ट. सीट मिलने लगी आप लोगों को? यस सर. सिस्टम सही कर दिया? गुड. yes, अब मैं जब टेस्टिंग लेने आऊं तो मुझे भी आप निराश नहीं करेंगे. नहीं करेंगे ना भाई? yes, यार मैं ये चाहता हूं भाई आप सब सफल हो जाएं यार. कितना परिवार, कितना गांव और कितनी खुशियां हम बिखेर पाएंगे आपके माध्यम से. तो यार बहुत बड़ी ताकत हो आप सब. और मुझे लगता है कि जो देश में इतनी बड़ी महामारी और इतनी परेशानियों से हमारा समाज गुजरा है बेटा, तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता हम सब के अंदर की ऊर्जा, समाज के अंदर की ऊर्जा, आपके उस गांव के अंदर की ऊर्जा, आपके उस परिवार के अंदर की ऊर्जा का कारण है बेटा. और मुझे लगता है कि आपकी सफलता इन सब को ही नहीं बल्कि कमाल की देश के अंदर भी एक नई ऊर्जा और शक्ति लाएगी. तो जस्ट गो अहेड, गिव द बेस्ट एंड क्रिएट समथिंग बेटर. थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक टू ऑल. थैंक यू. Major Kalchi Classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to fauji banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.